The given figure CD and RS are respectively the medians of triangle ABC and PQR. ABC और PQR में CD और RS median है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है। आगे दिया है कि ABC similar to triangle PQR, ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR के, तो हमें प्रूव ये और ये करना है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, इसको प्रूव करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी हम पिक करेंगे ट्रायंगल, लिखेंगे इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है सो इनके साइड्स सेम रेशियो में होंगे, यानी AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, और इसके लिए आप रीजन लिखोगे CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये लिखने के बाद हम आते हैं ADC पे, जो हमें प्रूव करना है उसे देखते हैं फिगर में। तो ADC इधर है और PSR इधर है, अब इन दोनों में AC और PR कॉमन साइड है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, और AD कॉरस्पॉन्डिंग है PS के, और CD कॉरस्पॉन्डिंग किसके है SR के, ये दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं मतलब साइड्स हैं उन्हें हम पिक करते हैं। सो AC और PR ये कॉरस्पॉन्डिंग है इन दोनों ट्रायंगल्स में जो यहां पे दिया हुआ है, और दूसरा चीज है AD और PS। तो AD और PS दिया तो नहीं हुआ है, लेकिन ये जिसके सब पार्ट्स हैं मतलब ये मीडियन होने की वजह से AB डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में, तो AD सब पार्ट हो गया AB का, तो AD हम AB से निकाल सकते हैं, कैसे, 2 से डिवाइड करके AB को। सिमिलरली PQ को भी अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हम उसके जगह पे PS लिख सकते हैं। आइए, हमारे पास AB और PQ इधर है, अब इन दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा AB बाई 2। और एक चीज ध्यान रहे, 2 से डिवीजन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हो रहा है, इसलिए इस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप ऐसी चीजें कर सकते हो बोथ प्लेसेस पे। अब AB अपॉन 2 की जगह पे आप लिख सकते हो AD, और PQ अपॉन 2 को आप लिख सकते हो PS, और इसमें से ये पिक कर लीजिए AC अपॉन PR। अब ये दो चीजें मिल गई आपको। अब देखो एंगल A और एंगल P ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसी सिमिलरिटी की वजह से हम एंगल A और एंगल P को भी क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, और इसके लिए रीजन CPST। अब देखो इसे हम फर्स्ट ले लें, इसे हम सेकंड ले लें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल ACD या ADC जो हमें लिखना है, ADC सिमिलर लिख सकते हैं PSR, ठीक है, ये दो साइड्स मिल गए सेम रेशियो में और ये एंगल मिल गया। तो यहां पे हम क्या क्राइटेरिया लेंगे इस इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन के भी आप पे, इसे हम लेंगे SS और इसे A, तो साइड ये भी साइड और एंगल बीच में, तो साइड एंगल साइड, सो SAS, समझ में आया, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है AD into PR equal to AC into PS, ठीक है,
सो ये जो साइड्स दिख रहे हैं आपको, ये साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं सेम ट्रायंगल के, जो ट्रायंगल अभी हम प्रूव करके आ रहे हैं सिमिलर। तो हम लिखेंगे यहां पे, वी हैव व्हाट ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस आर। सो हम क्या करेंगे, ए डी अपॉन पी एस डी सी अपॉन एस आर और ए सी अपॉन पी आर हम लिख सकते हैं। और इसके लिए रीजन सी पी एस टी, क्या लिखोगे रीजन सी पी एस टी। ओके, सी पी एस टी आपने लिख दिया। अब देखो आप ए डी और ए सी दो चीजें हैं, तो ए डी और ए सी कहां पे है इन दोनों में, तो इन दोनों को हम पिक कर लेंगे और इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे और इधर का ऐसे। सो ए डी इंटू पी आर हो जाएगा इक्वल टू ए सी इंटू पी एस हो जाएगा, ए सी इंटू पी एस। यही चीज हमें प्रूव करनी थी, तो इसे भी हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ओके चलिए।